यूपी की मथुरा में एक कोरोना संदिग्ध के मिलने पर हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम मरीज के घर पहुंच गई, जहां उसकी जांच की गई और उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध 21 ये दिल्ली से आए थे, 21 तारीख को आए हैं, हालांकि 21-3-2020 को, तो उतने टाइम इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी टीम ने इसे विजिट किया घर पे जाके, तो उसमें फीवर कफ और तो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी थी। तो ऐसे केस जो है हमारे सस्पेक्ट केस हैं, सस्पेक्ट क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और फीवर और कफ है ड्राई। नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो शराब के आदि लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 46 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद है, जिसकी वजह से नशे के आदि लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदि लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 40% अल्कोहल होती है, इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं, और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहां तक कि पेशेंट कोमा में जाके। आशु गुप्ता, उसके जेब में से बाटल निकले, उसने जाकर के बाटल हैंड वॉश करके जो आता है अपना फिलहाल में भी चल रहा वो था, तो मुझे तो हैंड वॉश। कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि झारखंड के जामताड़ा में कई जगहों पर फॉगिंग की गई। बताया जा रहा है कि फॉगिंग का असर 15 दिन तक रहता है। जामताड़ा में यहां फॉगिंग की गई है और ये भी बताया गया कि 15 दिन इसका असर रहता है। तो ऐसे इन सब के बीच जब कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कई जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं झारखंड में जामताड़ा में सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। यही नहीं, डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ्ट में राशन के पैकेट और मिठाइयां भी बांटी, जिसके बाद लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं।